नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मौर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में जातिगत भेदभाव और जाति उत्पीड़न का मामला तो अब आम बात हो गई है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है। आपको बता दूं कि जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक दलित ग्राम विकास अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। इस घटना ने एक बार फिर रोहित वेमला कांड की याद ताज़ा कर दी है। आत्महत्या करने वाले अधिकारी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी की सुसाइड से पहले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान यूनियन के नेता दलित अधिकारी को प्रताड़ित कर रहे हैं और जातिगत उसको टॉर्चर कर रहे हैं। जो किसान पंचायत ने उन्हें भरी सभा में दलित अधिकारी को टॉर्चर किया, उसके लौटने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट छोड़ा है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये भी हम आपको पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें जो तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला देकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान पंचायत के जिन नेताओं ने दलित अधिकारी को निजी तौर पर परेशान किया, टॉर्चर किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी अधिकारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? अभी पिछले दिनों बलिया में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया, क्या वहां पर भी इन मनवादी लोगों ने डीएम से इसी तरह के सवाल किए? आपको शर्म आना चाहिए कि आप दलित अधिकारी को जनता का नौकर कहते हैं, और वहीं अगर सवर्ण अधिकारी हों तो आप उनकी जी उजरी करते हैं और सवर्ण अधिकारियों की दलाली करके देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी ऐसी खबर मेरे सामने आती है, मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं समझ पाता हूँ क्या लिखूं और क्या मैं बोलूं। मेरे मन में बस यही ख्याल आता है कि आखिर भारत में कब तक ये जातिवाद का कहर चलता रहेगा, कब तक जातिवाद का जहर फैलता रहेगा? आखिर जातिवाद पर रोक क्यों नहीं लग रही है? आखिर सत्ताधारी लोग ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? रोहित वेमला कांड को अभी कोई भूला ही नहीं था कि अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक दलित डॉक्टर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, और आज ये दिन भी देखने को मिला कि एक दलित अधिकारी को उसने मौत को गले लगा लिया। आपको बता देते हैं कि सुसाइड नोट में क्या लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा है, पापा जी प्रणाम, मैं जितेंद्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पोस्ट हूँ। वहाँ पर किसान यूनियन व प्रधानों के द्वारा मुझे कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है।
जिससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे गलत गाली व आरक्षण के विरुद्ध बोला जाता है, जो कि बहुत गलत है। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। मैं अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार व विश्वास करता हूँ, पर मेरा मजाक बनाया जाता है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ किसान यूनियन पार्टी अध्यक्ष व रसूलपुर प्रधान देवरिया प्रधान पुत्र पप्पू ही हैं, और मुझे दिमागी रूप से वे पार्टी व प्रधान प्रताड़ित करते। मैं अपने आप से विफल हो गया हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को कोई भी परेशान नहीं करेगा। मैं अपने स्वयं की इच्छा से मरने जा रहा हूँ, परंतु मेरे मर जाने के बाद पार्टी अध्यक्ष व प्रधानों को कथित रूप से सजा मिले, जिससे किसी और को परेशान न कर सकें। दोस्तों, ऐसे मामले आखिर कब तक आते रहेंगे? इसलिए मैं बहुजन समाज के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप इन मनवादियों पाखंडवादियों को समझें और इनके चुंगल से बचें। अगर आपको कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो सबसे पहले अपने लोगों से कहो और उसके खिलाफ ठोस एक्शन लो। इस प्रकार से आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यूं ही नहीं कोई मौत को गले लगाता, कुछ तो परेशानियाँ रहती हैं। दोस्तों, जातिगत भेदभाव की एक और घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है। हालांकि इसमें किसी ने सुसाइड नहीं की है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इस मामले को आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी खबर है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बसपा उज्जैन जोन के प्रमुख प्रभारी हैं एमपी सिंह। उन्हें फेसबुक पर पिछले कुछ महीनों से लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्हें जातिगत कमेंट किए जाते हैं, जातिगत टॉर्चर किया जाता है। एमपी सिंह ने मुझे फोन पर बताया कि लाला शर्मा नाम से फेसबुक पर आईडी है और जो लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। एमपी सिंह और लाला शर्मा एक दूसरे को जानते हैं और एक ही गांव के हैं, इसलिए जाति का मामला और पेच पकड़ता है। जैसा कि एमपी सिंह ने मुझे बताया, लाला शर्मा पुत्र श्री श्रीनिवास शर्मा निवासी ग्राम बालेरा वाले अशोक गली कैलारस जिला मुरैना मध्य प्रदेश हैं, जो एमपी सिंह को लगातार परेशान कर रहे हैं। हालांकि इसकी शिकायत एमपी सिंह ने अपने नजदीकी थाने में कराई है। एमपी सिंह ने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने उनसे कहा कि ये जातिगत मामलों को हल्के में न लें, क्योंकि देश में अराजकता का माहौल है और कुछ भी हो सकता है। आपको क्या परेशानी हुई है, आप मुझे कृपया डिटेल में बताएं। तो उन्होंने अपनी आप बीती वीडियो के माध्यम से मुझे भेजी है, आप भी उसे सुन सकते हैं। साथियों, जब भी मैं एमपी सिंह बहुजन समाज पार्टी का मुख्य जोन प्रभारी उज्जैन, कल मुझे सुबह मैंने फेसबुक आईडी को खोला था। उस फेसबुक आईडी पर लाला शर्मा नामक व्यक्ति की पोस्ट को मैंने पढ़ा और बहुत आपत्तिजनक पोस्ट थी, जिसमें हमारे 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उनको उन्होंने कुत्ता सुअर तक कहा। ये हमारी भावना को ठेस पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया। साथ में हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी इन्होंने अश्लील शब्दों का जिक्र किया है, और तो और तमाम अपशब्दों का इसने प्रयोग किया। और जब इसका विरोध किया तो मुझे जाति सूचक गालियों से बताया गया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला है, इसमें ये लिखा है, आप पढ़िएगा कि औकात में बात कर चमड़े, एक तू ही नेता नहीं है। तो इस तरीके से जाति सूचक जो शब्द का प्रयोग किया है, जी मेरी भावना को आहत करता है। इसकी सूचना मैंने अभी नज़दीकी थाना सुजालपुर जिला शाजापुर में दी है, उसकी मुझे ये प्राप्ति कॉपी है। तो मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ आपको कहाँ 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 है इन लोगों ने, वो आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा, आज 2 अप्रैल है, आज के ही दिन देश में आग लगाने तोड़फोड़ करने वालों को कुछ लोग शहीद कह रहे हैं। आप बताएं कि ऐसे लोगों को कुत्ता या सुअर क्या कहे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अराजकता का माहौल बनने से पहले इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन और तमाम प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों की आईडी बंद कराई जाए,
और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई कराई जाए। लेकिन हमारे कुछ पुलिस थाने वाले इस चीज़ से बचना चाहते हैं, इन पर FIR कराने से बचते हैं। तो मैं शासन प्रशासन को अभी अवगत कराता हूँ कि ऐसे लोगों से हमें जान को भी खतरा है। ऐसे लोग उपद्रवी तरह के भी लोग होते हैं। ठीक है, तो साथियों इतना ही कहूँगा, बाकी सब जय भीम। तो दोस्तों, देश में जात की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस जात की बीमारी से बाहर निकलना मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बहुजन समाज से एक बार फिर अपील करूंगा कि अपनों के बीच में रहें, यूनियन में रहें, अपने लोगों को तवज्जो दें। अगर आपके साथ कोई जातिगत भेदभाव होता है तो इसकी सूचना एक दूसरे में शेयर करें, ताकि आपके सहयोगी, आपके पास वाले, आपके शुभचिंतक, आपके समाज के लोग आपकी कुछ सहायता कर सकें। इस प्रकार से सुसाइड करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमें ऐसी समस्याओं से डरना नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करना है। धन्यवाद।